भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। एक ओर जहां खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं, वहीं हालिया विवाद काजल राघवानी के साथ आया है। जी हां, इस बीच खेसारी लाल यादव ने फेसबुक लाइव में आकर अपने खिलाफ साजिश रचने वालों को जमकर कोसा है। इतना ही नहीं, लाइव के दौरान कई बार वो भावुक हुए और रोते हुए भी नजर आए। लाइव में खेसारी ने कहा कि मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग मुझे दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बना देंगे। जितना प्यार सुशांत को बॉलीवुड से मिला था, कुछ वैसा ही और उतना ही प्यार मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री वाले दे रहे हैं। हालांकि मैं उतना कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे दर्शक हैं, देश की जनता है। पता नहीं लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है। हालांकि मैं सुशांत की तरह बिहार से हूँ, लेकिन जनता मेरे साथ है। ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2011 में मैं इंडस्ट्री में आया, तब से लोगों की नज़रों में चुभता रहा हूँ। शायद मेरी फिल्में हिट होती है, मैं समाज सेवा करता हूँ, शायद इस वजह से मैं उनकी नज़रों में चुभता आया हूँ। जी हाँ, खेसारी ने कहा कि लोगों को लग रहा है कि मैं भी सुशांत सिंह राजपूत जैसा गलत कदम उठा लूँगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरा विरोध करने वालों के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन वो पैसे सिर्फ सामान खरीदने के लायक हैं, सम्मान नहीं। सारी इंडस्ट्री मिलकर एक को दबाना चाहती है, लेकिन मैं दबूंगा नहीं। मेरे साथ मेरी जनता है, मैं उनके दम पर इंडस्ट्री में टिका हुआ हूँ। मेरे लिए जब पूरा बिहार बंद हो सकता है, तो मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गरीब का बेटा हूँ, लिट्टी बेचा हूँ, संघर्ष करके आगे बढ़ा हूँ। जी हाँ, खेसारी लाल ने यूं तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी फिल्म संघर्ष का जिक्र किया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका निशाना काजल राघवानी पर था। जी हाँ, खेसारी ने कहा कि लोगों को लगता है कि संघर्ष फिल्म के हिट होने में मेरे कोई योगदान नहीं था, लेकिन ऐसा था। और इसके बाद वे लोग कोई हिट फिल्म क्यों नहीं दे पाए। बता दें कि इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के अपोजिट काजल राघवानी थी। थिएटर के अलावा यह फिल्म यूट्यूब पर बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड ने रिलीज किया, जिसे अब तक 101 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि कई बार अपने लाइव वीडियो में खेसारी लाल यादव रोते हुए नजर आए। जी हाँ, आप फेसबुक में जाकर उनका ये लाइव वीडियो सुन सकते हैं। और हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसा खेसारी लाल यादव क्यों कह रहे हैं, आखिर उनके साथ क्या हुआ है। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट, नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।